वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइफ साइंसेज एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन सी लेयर होती है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देखो, तभी हम देख पाएंगे कि उसकी निर्माण कैसा होता है, सेल वॉल का निर्माण किस प्रकार से होता है और क्या क्या उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं किस प्रकार से सेल वॉल का निर्माण होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल वॉल का निर्माण कब होता है। कि जैसा कि हमको पता है कि जब कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका विभाजित होती है तो जब प्लांट सेल विभाजित होती है तो उसके बीच में क्या बनती है, एक सेल प्लेट बनती है। किस प्रकार से बनती है देखिए, जैसे कोई हमारे पास एक कोशिका है, ये क्या है, ये कोशिका है, ये कोशिका के बाहर क्या है, कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब जब कोशिका विभाजित होती है तो पहले तो क्या होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो पहले तो क्या होता है, न्यूक्लियस है वो विभाजित होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। तो न्यूक्लियस विभाजक होकर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एनाफेज तक, टेलोफेज तक, तो दो न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो ये हमारे पास दो न्यूक्लियस तो बन गए। अब लेकिन ये एक ही कोशिका में दो न्यूक्लियस नहीं हो सकते, तो सबसे पहले क्या होगा, उस कोशिका का जो कोशिका प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, वो विभाजित होना शुरू होगा। तो किस प्रकार से विभाजित होना शुरू होगा, तो कोशिका प्लांट कोशिका में जब कोशिका विभाजन होती है तो नॉर्मली तो एनिमल सेल में तो क्या होती है, एनिमल सेल में तो इस प्रकार से खांच बन जाती है, दो कोशिका विभाजन होता है तो खांच बन जाती है, और फिर वो खांच आगे अंदर अंदर बढ़ती जाती है और दो अलग अलग सेल बन जाती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बनती है, दो कोशिका के मध्य में एक सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट। अब इस सेल प्लेट पर क्या होता है, डिपोजिशन होना शुरू होता है, किसका, सेल वॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। अब वो किस प्रकार से होता है देखो, हमारे कोशिका में दो सेल ऑर्गेनल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो सेल वॉल के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं वो, एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ी होती है, न्यूक्लियस से जुड़ी होती है। तो ये न्यूक्लियस से जुड़ी रहती है और इससे क्या होता है, इसमें क्या बनते हैं, कुछ वेसिकल्स बनते हैं, यानी कुछ पुटिकाएं बनती है, छोटी छोटी इस प्रकार की पुटिकाएं बनती है। और इसी प्रकार से इधर भी क्या होती है, इसमें भी क्या बनते हैं, बनने लगते हैं, वेसिकल्स बनने लगते हैं, और वो वेसिकल्स एंटर करते हैं किसमें, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी पता होगा आपको, गोल्जी बॉडी, इनकी सबकी स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में किस प्रकार से बनता है। फिर गोल्जी बॉडी से क्या बनती है, और दूसरी उनमें मॉडिफिकेशन होता है वेसिकल्स में, और वेसिकल्स में मॉडिफिकेशन होकर क्या बनता है, दूसरे प्रकार की वेसिकल्स का निर्माण होता है। और ये वेसिकल्स क्या कहलाते हैं, फ्रेग्मोप्लास्ट। क्या कहलाती है, फ्रेग्मोप्लास्ट। इस प्रकार की वेसिकल्स का निर्माण, इधर कोई गोल्जी बॉडी है उससे भी क्या बनने लगती है, वेसिकल्स बनने लगती है, ये पुटिकाएं बनने लगती है। अब इन पुटिकाओं में क्या होता है, विशेष प्रकार के इसमें सबस्टांस, विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो सेल वॉल का निर्माण करते हैं। सेल वॉल के निर्माण में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले दो कोशिका भित्तियों के बीच में क्या बनती है, क्या बनती है, मिडिल लेमिला। तो सबसे पहले मिडिल लेमिला का निर्माण होना शुरू होता है, तो इसके बीच में क्या बनने लगती है, मिडिल लेमिला। तो अब वो जो वेसिकल्स यहां से आ रहे थे गोल्जी बॉडी के बीच से, गोल्जी बॉडी से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी से कहां पर आ रहे थे, सेल प्लेट पर आकर अरेंज होने लगते हैं। इस प्रकार से सेल प्लेट के बीच में आकर अरेंज होने लगते हैं, समझ गए, इस प्रकार से सेल प्लेट के बीच में आकर अरेंज हो जाते हैं। अब कभी कहीं कहीं पर क्या होता है, ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो फैल कर क्या हो जाती है, दूसरी तरफ वृद्धि करने लगती है, एक्सपांड हो जाती है, और इससे क्या होता है, बीच में एक
बीच में चैनल बन जाता है, कोशिका भित्ति के बीच में क्या बन जाता है, चैनल बन जाता है। और यहां पर ये जो ये वेसिकल्स आ रही है, इन वेसिकल्स का क्या नाम दिया था हमने, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होता है, विशेष प्रकार के सबस्टांस होते हैं, जो जो लेयर बनाते हैं उसी प्रकार के सबस्टांस यानी सब पदार्थ होते हैं। तो पेक्टिन, सबसे पहले पेक्टिन जिनमें भरा होता है कहां से बन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से सेल प्लेट पर आकर पहले व्यवस्थित हो जाते हैं। और इनमें जो भी पदार्थ होता है वो धीरे धीरे इनसे रिलीज होने लगता है और उसका जमाव सेल प्लेट पर होने लगता है, इस प्रकार से सेल प्लेट पर होने लगता है। इसके बाद में दूसरे प्रकार की वेसिकल्स आती है जिनमें सेलुलोज भरा होता है, फिर सेलुलोज का जमाव होने लगता है इसके ऊपर, इसके ऊपर किसका जमाव होने लगेगा, सेलुलोज का जमाव होने लगेगा, सेलुलोज का जमाव होने लगता है। और धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, इसकी मोटाई बढ़ने लगती है, कोशिका भित्ति की मोटाई बढ़ने लगती है। बीच में तो मिडिल लेयर आ गई, उसके बाद में कोशिका, ये जो इसके भी इसके बाद में क्या आ गई, मिडिल लेयर के बाद में प्राइमरी सेल वॉल आ गई। इसी प्रकार से इसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होने लगता है और डिपोजिशन बढ़ता जाता है। और यहां पर देखो ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स किसी झिल्ली के द्वारा घिरी हुई है, ये किसी झिल्ली के द्वारा घिरी हुई है। तो जैसे ही वो रिलीज होता है, इनसे जो जो भी इनमें केमिकल्स भरे होते हैं, जो भी सेलुलोज वगैरह भरा होता है, वो रिलीज हो जाता है। तो क्या बन जाता, बच जाती है सिर्फ एक मेम्ब्रेन बच जाती है। जैसे ये कोई झिल्ली थी हमारे पास, जैसे ये कोई वेसिकल है, अब इस वेसिकल से केमिकल तो निकल गए, अभी जो झिल्ली बच गई वो झिल्ली भी क्या हो जाती है, यहीं पर अरेंज हो जाती है। और ये झिल्लियां जुड़कर क्या बना लेती है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती है, वो जो इस सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। इसी प्रकार से इधर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और इधर भी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा और इधर भी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैलकर एक्सपांड हो गई थी, जिसके कारण बीच में एक चैनल रह गया, और ये चैनल क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो सेल के, दो कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। इस प्रकार के बहुत सारे छिद्र दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु, जो क्या कार्य करते हैं, बाद में ये अलग हो जाती है कोशिका ये, और ये एक छिद्र के रूप में ही रह जाती है। और ये छिद्र क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु। तो जीव द्रव्य तंतु क्या करता है, दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है दो कोशिका भित्तियों के बीच, दो कोशिकाओं के बीच में, कब होता है, सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले सेल प्लेट का निर्माण होता है, सेल प्लेट के ऊपर धीरे धीरे वेसिकल्स का डिपोजिशन होने लगता है, उन वेसिकल्स को क्या नाम देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ये क्वेश्चन कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं, तो ये आप बता सकते हो कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, फिर वेसिकल्स में मॉडिफिकेशन होता है, कहां पर आते हैं, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से वो डिपोजिशन होता है किस पर, सेल प्लेट पर, और किसका निर्माण हो जाता है, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सेल वॉल के निर्माण में कौन पार्टिसिपेट करता है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये निर्माण होता है सेल वॉल का। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सेल वॉल का निर्माण होता है और किस प्रकार से बीच में इनके प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।